नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका नक्षत्र राशिफल में। मेन प्रेडिक्शन, मेन एनर्जी, मेन ग्रह सूर्य ग्रह। सूर्य के कारण ही आपका हमारा पृथ्वी के ऊपर जितने भी सजीव है, छोटे बड़े जीव है, ये सब का जो अस्तित्व है ये मात्र और मात्र सूर्य के कारण है। और सूर्य का जो फल है ये एक्सट्रीम फल होता है, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सूर्य के कारण ही तो हमारा जन जीवन का अस्तित्व है। तो फ्रेंड्स, ये सूर्य ग्रह शनि के नक्षत्र में चलेंगे, पुष्य नक्षत्र में। तो क्या फल देने वाले होंगे, जो ये ट्रांजिट है ये शुरू होगी 20 जुलाई 2022 को सुबह 10:50 को सूर्य कर्क राशि स्थित पुष्य नक्षत्र में भ्रमण स्टार्ट करेंगे। और 20 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक का जो पीरियड है ये सूर्य पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। 3 अगस्त 2022 को सूर्य 9:38 को आश्लेषा नक्षत्र में भ्रमण स्टार्ट करेंगे, जिस नक्षत्र के मालिक बुध होंगे। लेकिन ये जो नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, इस नक्षत्र के मालिक शनि हैं, अपने बेटे का घर है। पुष्य नक्षत्र जो है शनि का नक्षत्र है, इस नक्षत्र के मालिक शनि हैं और अपने बेटे के घर में जाएंगे, बट बेटे घर नहीं बोल सकते हैं, नक्षत्र में जाएंगे। तो ये किस प्रकार का रिजल्ट देने वाले होंगे, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो एक्स फॉर एग्जांपल, आप देखें कि आप यदि अपने बेटे के घर जाते हो तो कुछ आप लेके जाते हो, कुछ अच्छा करने के लिए जाते हो। तो इसी प्रकार से जो सूर्य है ये भी जो ट्रांजिट है ब्लेसिंग वाली होगी, देश और दुनिया के लिए और सबके लिए, ओवरऑल जनमानस के लिए। तो आइए जानते हैं राशि से, नक्षत्र से हम सबको ये कैसा फल देंगे। प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए तो जो ट्रांजिट है वो 16 जुलाई से, तो वैसे सूर्य आपके चौथे स्थान के अंदर चलने वाले हैं, लेकिन नक्षत्र ट्रांजिट देखें तो सबसे ज़्यादा जो भारी है वो किसके ऊपर है, भरणी नक्षत्र के ऊपर है, क्योंकि आपके लिए वध नक्षत्र में चलेंगे। अश्विनी वाले जातकों के लिए ये मित्र नक्षत्र है तो इतना बुरा फल देने वाले नहीं है, लेकिन भरणी नक्षत्र में जो कोई भी जातक का जन्म हुआ है, जिनके जन्म के सूर्य भरणी नक्षत्र में है या चंद्र भरणी नक्षत्र में है, ये दोनों जातकों को बहुत केयरफुल रहना होगा रिगार्डिंग व्हाट प्रॉपर्टी मैटर, रिलेशन में माता पिता, जॉब में अपर लेवल, क्योंकि जब सूर्य चौथे स्थान में होंगे तो सीधा जो दृष्टि है इनका 10th हाउस में होगा। तो करियर का जो स्थान है 10th स्थान है ये भी आपका इफेक्ट होता है, तो बहुत केयरफुल रहना होगा। मेष राशि वाले तमाम जातकों में सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना है, इनका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है। कृतिका वाले जातकों के लिए ये साधक नक्षत्र होगा तो कुछ आपको प्रॉपर्टी मैटर से लाभ मिल सकता है। 2 की राशि वृषभ राशि। आपके लिए जो सूर्य का ट्रांजिट है वो पराक्रम साल में है, वृषभ कृतिका के लिए ये साधक नक्षत्र है, तो स्मॉल डिस्टेंस यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग से, या आपके भाई बहन से, या आपको कुछ नए साहस करने की वजह से आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो वृषभ रोहिणी के लिए ये प्रत्यारी नक्षत्र होगा, तो आपका ऑपोजिशन होगा, कहाँ से होगा, आपके भाई बहन या आपके नेबर्स के साथ होगा। तो वृषभ मृग सिरा के लिए ट्रांजिट है, वो सेम तारा के अंदर है, तो आपके लिए ठीक है, आपको भी नए साहस करवाएंगे, नए साहस से आपको ये ट्रांजिट लाभ देने वाली होगी। मिथुन राशि के लिए ट्रांजिट कहाँ पर है, धन स्थान के अंदर है, कुटुंब स्थान के अंदर है, फैमिली के स्थान के अंदर है, वाणी के स्थान के अंदर है, और जो कि सूर्य बहुत उग्र ग्रह है, हम इसको पापक ग्रह नहीं बोलेंगे, पापक ग्रह बोलना ठीक नहीं है, ग्रह के अंदर कोई पाप नहीं है फ्रेंड्स, जो है वो सब कुछ हमारे अंदर है, पाप पुण्य ये भी जो करते हैं वो सब ग्रह करवाते हैं। तो दूसरे स्थान के अंदर जो उग्र ग्रह है सूर्य, ये वाणी में थोड़ा सा कड़वाहट, उग्रता,
ये ला सकते हैं परिवार के अंदर, तो उसके कारण थोड़ा सा पारिवारिक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। थोड़ा क्या जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है वो सब बोलने के कारण ही तो होता है। जो महाभारत हुआ था उसकी वजह, उसका भी आपको रीज़न मालूम है कि जो बोलने के कारण बहुत प्रॉब्लम होते थे, उसके कारण बहुत से प्रॉब्लम पास्ट में भी क्रिएट हुए हैं और फ्यूचर में भी होते रहेंगे। और वर्तमान में इतना केयर करना है कि वाणी में सेम बरते खास करके किसी के भी साथ, लेकिन पर्टिकुलरली जो हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि के लिए, तो आपका ये फैमिली का स्थान है, कुटुंब का स्थान है और आपकी सूर्य की जो दृष्टि है अष्टम स्थान में होगी, तो आठवां स्थान जो है वो आपका इन लॉस का भी स्थान है। इन लॉस बोले तो आपका ससुराल, तो तमाम जातक जो मैरिड हैं, विवाहित हैं, इनको अपने इन लॉस के साथ भी रिलेशन में तनाव ना आए, उनका भी केयर करना होगा। बात कर रहे हैं हम मिथुन राशि के लिए। तो नक्षत्र ट्रांजिट क्या कहती है फ्रेंड्स, मिथुन वृक्षिरा के लिए ये एक सेम तारा है, सेम तारा में चलेंगे तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जिनका भी जन्म हुआ है आर्द्रा नक्षत्र में, जिनका जन्म का सूर्य आर्द्रा है या चंद्र आर्द्रा है, ये दोनों जातकों के लिए ये ट्रांजिट भारी विपदा यानी कि टेंशन क्रिएट करने वाली है, पारिवारिक मामलों को लेकर या फाइनेंशियल मैटर को लेकर। दे शुड बी ऑल्सो टेक केयर अबाउट आई साइट, आँखों का भी आपको विशेष केयर करना होगा जिनका जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है, क्योंकि पुष्य जो है वो आपका विपद नक्षत्र है। विपद माने टेंशन, विपद माने टेंशन, ये आप नोट डाउन कर लें। जिनका जन्म हुआ है पुनर्वसु में, उनके लिए क्या फल होगा, मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र के तीन चरण आते हैं फ्रेंड्स, ये जातकों के लिए एक्सीलेंट फल होगा जो सूर्य पुष्य नक्षत्र में चलने वाला है। आपको भारी धन संपत्ति का लाभ हो सकता है, परिवार में खुशियां बढ़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि राशि एक ही है लेकिन नक्षत्र बदलने के कारण फल बदल जाते हैं। आपका गोचर ट्रांजिट का नक्षत्र बदलते हैं तो फल बदल जाता है। पुष्य पुनर्वसु के लिए एक्सीलेंट फल है, धन संपत्ति में, परिवार में खुशियां बढ़ाने वाला है। और कर्क पुनर्वसु के लिए अपनी ही राशि के अंदर आपके मान सम्मान, आपकी एनर्जी, आपकी प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ाने वाला है। पिता से आपको लाभ करने, क्योंकि सूर्य जो है वो फादर है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में पद प्रतिष्ठा रुतबा आपका बढ़ सकता है। तो पुष्य में जन्म है उसके लिए क्या है, जन्म तारा भी हमेशा शुभ फल देता है, ऐसा हमने कई बार बोला है फ्रेंड्स, क्योंकि जन्म नक्षत्र भी कभी बुरा फल नहीं देता है। चाहे आपका जन्म कोई भी नक्षत्र में हुआ है, मगा है, मूला है, अश्विनी है, ज्येष्ठा है, कोई भी नक्षत्र में जन्म है, लेकिन जन्म तारा हमेशा शुभ फल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार पुष्य नक्षत्र में जन्म जातकों के लिए भी मेंटल स्ट्रेंथ में वृद्धि करने वाला ये नक्षत्र है। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका फादर से आपको लाभ रहेगा, आपको गवर्नमेंट से लाभ रहेगा, गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ आपके कार्य रुके हुए हैं तो बनेंगे। तो आपके लिए पुष्य वाले जातकों के लिए भी ये ट्रांजिट एक्सेलेंट फल देने वाली है। आश्लेषा के लिए तो अति मित्र नक्षत्र है, अति मित्र माने मोर फ्रेंड, तो आपका जो कोई दोस्त बहुत बड़ा, आपका कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है या बहुत बड़े पॉलिटिशियन है और आपका फ्रेंड है, तो आपके तो काम होंगे ही होंगे, आपको तो कोई रोकने वाला नहीं है, तो आपके लिए भी बहुत सुंदर फल है। तो कर्क राशि वाले तमाम जातकों के लिए इसका फल बहुत शुभ होगा। लेकिन क्या केयर करना है रिलेशन में, खास करके अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि सूर्य बहुत उग्र ग्रह हैं। पाप ग्रह बोलना एडवाइजेबल नहीं है, पाप हमारे अंदर होता है, ग्रह में कोई पाप नहीं है फ्रेंड्स। तो जो भी जातक विवाहित हैं, मैरिड हैं, इनको खास करके दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ या तो लव रिलेशनशिप के अंदर हैं, ऐसे जातकों को भी
अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा। कर्क वासे तमाम जातकों को, कर्क राशि के तमाम जातकों को जिनका जन्म का सूर्य कर्क में है या चंद्र कर्क में है, दोनों जातकों को केयर करना है, क्योंकि जो ग्रहों का इफेक्ट है फ्रेंड्स हमारे ऊपर दो प्रकार से होता है, सूर्य से और चंद्र से। तो आइए जानते हैं पांच नंबर यानी कि सिंह राशि के लिए फल क्या होगा। सूर्य मेन एनर्जी आपके बारहवें स्थान में चलने वाला है। बारहवें स्थान में जैसे हमने बताया कि कोई भी उग्र ग्रहों का जो फल है वो शुभ नहीं होता है, तो सूर्य बारहवें स्थान में होने के कारण आपको गवर्नमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो उसका केयर करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपना हेल्थ केयर करना होगा, अपने फादर का हेल्थ केयर करना होगा। यू शुड बी टेक केयर अबाउट आई साइट ऑल्सो, क्योंकि बारहवें स्थान में सूर्य जाने वाले हैं, आपको पैर में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये सब जगह पे केयर कर सकते हैं, केयर करना पड़ेगा। नक्षत्र ट्रांजिट देखें तो मघा वाले जातकों के लिए मित्र नक्षत्र है, पूर्व फाल्गुनी के लिए ये वध नक्षत्र है। तो जिनका भी जन्म का सूर्य पूर्व फाल्गुनी है या चंद्र पूर्व फाल्गुनी है, ये दोनों जातक बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे इस नक्षत्र के ट्रांजिट के अंदर। नक्षत्र शांति के लिए क्या करना है, पुष्य नक्षत्र की शांति के लिए आपको भेड़ को खिलाना है, फीडिंग टू शेप, जो बकरियों के साथ रहता है और उस नक्षत्र की शांति के लिए भेड़ को खिलाना है। अन्यथा आप गरीब लोगों में तेल का दान भी कर सकते हैं और सूर्य ग्रह की मैक्सिमम उपासना करें, ओम रिम क्लीम सूर्य नारायण नमः मंत्र भी आप कर सकते हैं। तो पूर्व फाल्गुनी के लिए सबसे ज़्यादा अशुभ फल होगा, हेल्थ वाइज केयर करना होगा, गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में केयर करना होगा, फादर के साथ रिलेशन में केयर करना होगा, खुद का भी हेल्थ केयर करना होगा, आई साइट का, अपने पैरों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पूर्व फाल्गुनी का सूर्य है या चंद्र है, ये दोनों जातक होंगे। उत्तर फाल्गुनी का प्रथम चरण सिंह राशि के अंदर है, आपके लिए सूर्य बारहवें स्थान में साधक नक्षत्र में है, एब्रोड की गवर्नमेंट से आपको कुछ लाभ मिलने की पावरफुल प्रोबेबिलिटी बनती है जिनका जन्म सिंह राशि के अंदर उत्तर फाल्गुनी में है, या आप कुछ एब्रोड से काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको बाहर से कुछ बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, बड़ा धन लाभ हो सकता है। यदि आपका सिंह उत्तर फाल्गुनी है या कन्या उत्तर फाल्गुनी है, कन्या उत्तर फाल्गुनी के लिए लाभ स्थान के अंदर है, बिजनेस में, कारोबार में, गवर्नमेंट से, सब जगह से आपको बेनिफिट करने वाले हैं। कन्या हस्त के लिए ये प्रतिहारी नक्षत्र होगा, ऑपोजिशन होगा फादर के साथ या मित्रों के साथ या तो आपके संतानों के साथ। कन्या चित्रा के लिए एक सैम तारा है, तो आपका प्रोग्रेस निश्चित है, बिजनेस और करियर के रिगार्डिंग आपका प्रोग्रेस निश्चित है और आपको निश्चित कुछ बेनिफिट इसका मिलने वाला है। तुला चित्रा के लिए जो ट्रांजिट है वो दसवें स्थान के अंदर होंगे, दसवें स्थान के अंदर जो सूर्य है राजयोग कारक माना जाता है। तुला चित्रा के लिए एक सेम तारा है, लेकिन तुला स्वाति के लिए ये विपद नक्षत्र है। तो जिनका भी जन्म का सूर्य स्वाति नक्षत्र में है या चंद्र स्वाति नक्षत्र में है, ये दोनों जातक थोड़ा सा तनाव महसूस करेंगे जॉब में, अपर लेवल को लेकर, फादर को लेकर, मदर इन लॉ को लेकर, या तो प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर को लेकर, या तो वाहन को लेकर, गाड़ी के अंदर खर्च आ सकता है, वाहन में खर्च आ सकता है, तो सब जगह पे आपको क्या करना होगा। स्वाति नक्षत्र में जिनका जन्म का सूर्य है या चंद्र है, ये दोनों जातक होगा। विशाखा के लिए फल क्या होगा, आपके लिए संपत नक्षत्र है पुष्य, तो आपके तो कार्य बनने वाले हैं, आपका तो जबरदस्त राजयोग है। जिनका जन्म का सूर्य विशाखा है या चंद्र विशाखा है, इनका काम का जबरदस्त प्रोग्रेस में आने वाला है। वृश्चिक विशाखा के लिए भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं, वृश्चिक अनुराधा के लिए ये जन्म नक्षत्र है, तो जन्म तारा भी हमेशा शुभ फल देता है। ज्येष्ठा के लिए ये अति मित्र नक्षत्र है, तो आपकी तो चांदी चांदी है, चांदी के सिक्के आपको लेने पड़ेंगे ज्येष्ठा वाले जातकों को। जिनका जन्म का सूर्य ज्येष्ठा है या चंद्र ज्येष्ठा है,
इतना धन संपत्ति में आपको ये लाभ करने वाले हैं, भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। धनु राशि के लिए फल क्या होगा, 8 नंबर के अंदर मतलब मृत्यु स्थान के अंदर सूर्य है आपकी राशि से, 8वें स्थान के अंदर सूर्य है, तो कंफर्ट जोन कहाँ होगा फ्रेंड्स? मृत्यु स्थान में जाने वाले कोई भी उग्र ग्रह शुभ फल नहीं देते हैं 8वें स्थान में। पारिवारिक समस्या बढ़ा देते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ा देते हैं, या तो हेल्थ का कुछ इश्यू आपको डिस्टर्ब कर सकता है, कोई ना कोई प्रकार से आप अनकंफर्ट जोन के अंदर जा रहे हो। तो नक्षत्र शांति के लिए गरीब लोगों में तेल का दान करें, दिन में 3 बार सूरज का दर्शन करें। नक्षत्र ट्रांजिट देखें तो मूला के लिए ये मित्रा नक्षत्र है, लेकिन पूर्व आषाढ़ा में जिनका जन्म हुआ है ये जातक सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। क्योंकि आपके लिए एक तो योनि दोष बनता है और दूसरा वध नक्षत्र है, तो जिनका जन्म का सूर्य पूर्व आषाढ़ा है या चंद्र पूर्व आषाढ़ा है, ये दोनों जातकों को बहुत केयरफुल रहना होगा पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर, और खुद का हेल्थ, गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर सब जगह पे केयर करना होगा। धनु उत्तराषाढ़ा के लिए यह साधक नक्षत्र है, कुछ गुप्त लाभ आपको मिल सकता है। तो मकर राशि के लिए फल क्या होगा, मकर उत्तराषाढ़ा के लिए ये जो साधक नक्षत्र है आपके 7th हाउस के अंदर है, तो पब्लिक लाइफ में मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला है। मकर श्रवणा के लिए प्रत्यारी नक्षत्र है, पार्टनर के साथ आपको ऑपोजिशन होगा। मकर धनिष्ठा के लिए एक सैम तारा है, तो पार्टनर से आपको लाभ रहेगा। आइए जानते हैं कुंभ धनिष्ठा के लिए फल क्या होगा। सूर्य 6th हाउस में है, मान रुतबा मर्तबा आपका बढ़ाने वाले हैं, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ाने वाले हैं, गवर्नमेंट से आपको लाभ करने वाले हैं, पिता से लाभ करने वाले हैं, प्रतिष्ठित सामाजिक प्रतिष्ठित लोगों से आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो कुंभ धनिष्ठा के लिए एक सैम तारा है, तो आपका स्टेटस बढ़ने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुंभ शतविशा के लिए भी ट्रांजिट अच्छा होगा, प्रोग्रेसिव होगा, लेकिन टेंशन के साथ होगा क्योंकि आपका ये विपत्त नक्षत्र है, फिर भी 6th हाउस के अंदर आप कुछ अच्छा कर जाएंगे। और कुंभ पूर्व भाद्रपद के लिए तो जबरदस्त एक्सीलेंट ट्रांजिट है आपके लिए, तो 4 चांद लगने वाले हैं, 4 स्टार बोलते हैं ना जिसको, 4 स्टार ऐसा आपका टाइम होने वाला है कुंभ पूर्व भाद्रपद। मीन पूर्व भाद्रपद के लिए जो सूर्य हैं वो 5th स्थान में होंगे, आपका भी 5 स्टार टाइम बोल सकते हैं। अनएक्सेप्टेड कुछ आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलने की संभावना है। पूर्व जन्म के या इस जन्म के जितने भी पुण्य कर्म आपने किए हैं उस हिसाब से आपको ये एक्सट्रीम सफलता या मीडियम सफलता आपको देने वाला योग बनता है। और नक्षत्र उत्तर भाद्रपद में जिनका जन्म हुआ है इनके लिए जन्म तारा है, और मीन रेवती के लिए ये अतिमित्र नक्षत्र है, तो तमाम जातक के लिए शुभ फल होगा, लेकिन थोड़ा सा केयर करना होगा। कहाँ पर? जो कोई भी जातक शेयर सट्टा लॉटरी गैम्बलिंग इत्यादि के काम करते हैं इनको केयरफुल रहना होगा, और अपने संतानों के बारे में थोड़ा केयर करना होगा, मित्रों के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा। नक्षत्र शांति के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल प्रयोग है फ्रेंड्स, गरीब लोगों में तेल का दान करना है। क्यों तेल का दान क्यों करना है सूर्य के लिए, कोई किसी के मन में ये भी सवाल उठ सकता है, क्योंकि सूर्य तो राजा ग्रह है, सूर्य का दान तो है, जगरी है, गुड़ है, गेहूं है, सोना है इत्यादि है, तो तेल का दान सूर्य के लिए क्यों करना है? फ्रेंड्स, जो सूर्य है वो पुष्य नक्षत्र में से जाने वाले हैं, इस नक्षत्र के मालिक शनि हैं, तो शनि की शांति के लिए, सूर्य की शांति के लिए, क्योंकि कोई भी ग्रह जो होता है कौन से नक्षत्र में से पास आउट होता है उस हिसाब से वो फल देता है। तो जब सूर्य शनि के नक्षत्र में से निकलेंगे तो सूर्य शनि के जैसा फल देंगे,
उनकी जो दृष्टि है वो बहुत क्रूर हो जाएगी, जैसे शनि की दृष्टि होती है, क्योंकि वो शनि के नक्षत्र में से जा रहे हैं। तो जैसे दृष्टि, वैसे तो वैसे भी सूर्य ग्रह की जो दृष्टि होती है वो बहुत, कोई भी उग्र ग्रह की जो दृष्टि है बहुत अशुभ मानी जाती है, क्रूर मानी जाती है, दुख देने वाली होती है। हालांकि दुख भी जो होता है वो अच्छे के लिए मिलता है, क्योंकि सूर्य इतनी गर्मी बरसाएंगे नहीं तो बारिश कैसे आएगी फ्रेंड्स। तो हालांकि उसकी वजह से कितने पेड़ पौधे सूख जाते हैं, कितने जो छोटे छोटे जीव हैं वो मर जाते हैं, लेकिन जो मरने के बाद भी उनका पुनर्जन्म होता है तो वो अच्छे के लिए होता है। तो आशा करते हैं ये प्रेडिक्शन आपको पसंद आया होगा, और बटन एक जरूर बनता है लाइक का, सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के लिए आप नीचे बताए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। नमस्कार, आने वाला आपका समय शुभ रहे, जीवन में आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले, ढेर सारा प्यार मिले, ऐसी शुभकामना के साथ मिलते हैं एक और नए प्रेडिक्शन में जल्दी। नमस्कार, जय द्वारकाधीश, जय रामचंद्र।